लोगों से भरी हुई बस थी और वहां कंडक्टर को एक बटुआ मिलाया। बटुए को चेक किया तो उसमें 500 रुपए थे और एक कृष्णा की फोटो थी। उन्होंने बस में चिल्लाते हुए पूछा कि किसी का बटुआ गुम हुआ है क्या? इतने में एक बूढ़े चाचा चिल्लाए और उन्होंने कहा कि मेरा गुम हुआ है। कंडक्टर ने पूछा, अच्छा चाचा आपका बटुआ है, कैसे मान लूं, इसमें क्या क्या है? चाचा ने कहा कि देखो बेटा, पैसे कितने थे ये तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसमें मेरी कृष्णा की फोटो जरूर से है। कंडक्टर ने कहा कि ये फोटो तो किसी के भी बटुए में हो सकती है, आपका है कैसे मान लूं, और बताओ। चाचा ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, जब मुझे समझ आई थी सेविंग क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, तब मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ये बटुआ गिफ्ट दिया था, सालों पहले, इस कृष्णा की फोटो के साथ। मुझे उस समय पर मेरे माता पिता ही सब कुछ लगते थे। लगता था कि मेरा पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द घूमता है और इसीलिए उनकी फोटो कृष्णा की फोटो के ऊपर रख दी थी मैंने। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत कुछ हासिल करने लगा था तो मुझे लगता कि मैं अपने आप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूं, और दिखने में भी मुझे लगता कि मैं अपने माँ बाप से ज्यादा सुंदर हूं, तो मैंने मेरी फोटो रख दी उनकी फोटो के ऊपर। फिर आगे चल के कॉलेज खत्म की, नौकरी लगी, एक लड़की पसंद आई जिसे प्यार हुआ और शादी भी हुई। फिर माँ बाप की फोटो के ऊपर उस लड़की की फोटो रख दी बराबर मेरे साथ। जब मेरा बेटा आया इस दुनिया में तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी, मेरे पल पल का साथी बन चुका था वो। तो बेटे की फोटो रखी अपनी वाइफ की फोटो के साथ, लेकिन वो फोटो वाली जगह में स्पेस कम थी, तो माँ बाप की फोटो बटुए से निकाल दी और विधि का विधान देखो उसी के साथ माता पिता भी दुनिया से चले गए। समय ने अपना कर्तव्य दिखाया और पत्नी भी चल बसी। बेटा जो था उसकी भी नौकरी लगी थी, उसका घर परिवार था, उसे घर छोटा लगने लगा था, तो अपने परिवार के साथ और कहीं रहने चले गया। मुझे याद है पिछले हफ्ते मुझे चोट आई थी, सीढ़ियों पर से गिर पड़ा था, बहुत दर्द में था। मेरे बेटे से कहा था, बेटा मेरे साथ रहने आओगे कुछ दिन, बहुत दर्द में हूं। उसने फोन पर कहा था, पापा बी स्ट्रांग, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मेरा भी घर है, परिवार है, काम है, मुझे ये सारी चीजें भी तो देखनी है। जैसे ही बेटे ने फोन रखा, चाचा का दिल टूट चुका था। उन्होंने कहा कि बटुए को खोलकर मैंने अपने बेटे की फोटो निकाली और कृष्णा की फोटो के नीचे रख दी, और उस दिन एहसास हुआ कि इस दुनिया में जितने भी संबंध थे सारे किसी न किसी मतलब से थे, आए और गए, और एक ही संबंध था मेरे ऊपर वाले से, मेरे कृष्णा से, जो अटूट रहा, जो बिल्कुल भी नहीं बदला। अर्थात आपके बटुए में क्या है वो आपकी प्रायोरिटी को बताता है, दर्शाता है। जिंदगी में किसी ना किसी चीज को हासिल करने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। आज बैठकर अपने बटुए को जरूर से साफ करें। आज की सच्चाई कि रोने से किसी को पाया नहीं जा सकता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जा सकता, और ये भी कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।